फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जितने भी कमेंट्स बच्चों ने किए हैं उनको डिस्कस करेंगे और मैं उन सब के जवाब दूंगी। सबसे पहला कमेंट है 111 नंबर है, बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनको पीजीआईएमएस रोहतक मिल जाएगा क्या बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए मुश्किल है, बट पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको ईजीली जो है वो पीजीआईएमएस रोहतक मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 40-50% चांस है कि आपको बीएससी नर्सिंग मिले, बट 80-90% चांसेस हैं कि आपको पैरामेडिकल कोर्स मिल जाए। इसके साथ साथ आपको डीडीयू करनाल के लिए ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे आपको नर्सिंग में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी नर्सिंग और पैरामेडिकल में से नर्सिंग का आगे जाके स्कोप ज़्यादा होगा, सो इट इज़ अपॉन यू कि आप कौन सा कोर्स जो है वो अपने लिए चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 74 मार्क्स हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी। अगर आपकी जो परसेंटाइल है वो 35% से ज़्यादा है तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा और आपका एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आराम से हो जाएगा। बट आपकी परसेंटाइल 35% से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप प्राइवेट कॉलेज को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हेलो मैम, आई स्कोर 78 इन EWS कैटेगरी। 78 मार्क्स हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, आपको अपने लिए कोई प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा। तो लिस्ट मैंने डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। पर आप MAMC अग्रोहा सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ आप 10-20% चांस है कि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अदरवाइज़ आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ कौन से कॉलेज में मिलने के चांसेस हैं, रिप्लाई मैम प्लीज़। 91 मार्क्स हैं, BCA कैटेगरी, ऑप्टोमेट्री के लिए PGI मिल जाएगा। मुश्किल है क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है, PGI में मिलने के चांस तो लाइक 10% हैं। उसके बाद आप DDU करनाल में देखोगे तो 20-30% चांसेस बनते हैं कि आपको DDU करनाल में लास्ट काउंसलिंग तक सीट मिल जाए। इसके अलावा आप MAMC अग्रोहा जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें ट्राई कर सकते हो, उसमें है कि 70-80% चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना पड़ेगा लास्ट में अपने लिए। बट आप ट्राई कर सकते हो कि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन चाहिए उनको, 69 मार्क्स उनके हैं और वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो PGIMS रोहतक तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपका स्कोर कम है और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ हाई जाने वाली है। इवन आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो MAMC अग्रोहा है उस वो मिलने के चांसेस भी नहीं है। 1-2% चांस है कि मोपअप राउंड तक MAMC अग्रोहा की जो कट ऑफ है वो इतनी नीचे चली जाए, अदरवाइज़ आपको फिर प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा। मार्क्स कम हैं, बेशक कैटेगरी आपकी रिजर्व हो, बट रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं इस बार बच्चों के, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वन इज़ 97 मार्क्स से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, महाराजा अगर सेन अग्रोहा के लिए ट्राई करना, लाइक 30-40% चांसेस है कि आपको अग्रोहा कॉलेज मिल जाए, मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर आपको अपने लिए प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ 82 मार्क्स है, SC कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है, सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, वो भी मिलना मुश्किल है वैसे तो, गवर्नमेंट तो मिलेगा ही नहीं। सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना 30-40% चांस है कि मिल जाए, अदरवाइज़ फिर अपने लिस्ट में एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करके रखना कि अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि प्राइवेट में तो 101% मिल जाएगा, बट सेमी गवर्नमेंट में मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, ट्राई करना, ना मिले तो फिर प्राइवेट में एडमिशन ले लेना। 102 नंबर हैं, OBC ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, PGI मिलने के तो चांसेस कम हैं, पर DDU करनाल और सफ़ीदो कॉलेज के लिए ट्राई करना, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप MAMC अग्रोहा में ट्राई करना, वहाँ पे 90% आपका एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि आपके रिजर्व कैटेगरी है, मार्क्स भी सही हैं, ठीक है, 102 नंबर हैं आपके, तो आप MAMC अग्रोहा के लिए ट्राई करना, वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, और अगर ना हो तो फिर लास्ट में प्राइवेट कॉलेज तो आपका ऑप्शन है ही, बट 80-90% चांसेस है कि आपका MAMC अग्रोहा में तो हो ही जाएगा। इसके साथ साथ लास्ट काउंसलिंग तक अगर आप वेट करोगे तो फिर सफ़ेदो कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ मैम, दिस इज़ फॉर सेशन 21-22, प्लीज़ चेक इट,
0 0 प्लीज़। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या कमेंट किया है या फिर आप क्या बोलना चाहते हैं, तो मुझे अपनी बात समझाने के लिए आप दोबारा से अच्छे से कमेंट करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, सो आई एम सो सॉरी अबाउट डैट। नेक्स्ट वन इज़ BSc नर्सिंग में 124 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? मैम आपने अपनी कैटेगरी नहीं बताई है कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि आपका एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं। तो अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो ईजिली आपको PGI रोड तक मिल सकता है, और अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो फिर आप DDU करनाल वगैरह सफ़ीदों के लिए ट्राई करना, PGI भी मिल सकता है लास्ट काउंसलिंग तक। तो आपकी कैटेगरी चाहे कोई भी हो, स्कोर अच्छा है तो अगर रिजर्व कैटेगरी है तो इजीली मिल जाएगा, अगर जनरल कैटेगरी है तो फिर सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक वेट करना पड़ सकता है PGI रोड तक या फिर DDU करनाल के लिए। वैसे स्कोर आपका अच्छा है तो अगले बार से अगर आप कमेंट करो तो प्लीज़ अपनी कैटेगरी साथ में लिखा करो, मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो उसी के बेसिस पर मैं बता पाती हूँ। नेक्स्ट इज़ 12th 2020 में पास आउट की है तो करेक्टर सर्टिफिकेट न्यू बनवाना पड़ेगा स्कूल से? नो, आपको 12th के बाद जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है वही करेक्टर सर्टिफिकेट आपको PGI रोहतक में सबमिट करवाना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और आपको कोई भी नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल ने लास्ट टाइम जब आपने स्कूल अटेंड किया था तभी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया था। लेकिन अगर आपने 12th के बाद कोई और कॉलेज या फिर कुछ और जो है वो ज्वाइन किया था तो वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, बट अगर 12th के बाद आपने कोई भी कॉलेज या कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपको कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम करेक्टर सर्टिफिकेट आप सबमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज मैम 99 मार्क्स हैं, ओपन कैटेगरी है, BPT मिल सकता है क्या गवर्नमेंट कॉलेज में? 99 मार्क्स हैं और जनरल कैटेगरी, तो आप ट्राई करना कि आपको जो है DDU करनाल मिले, 10-20% चांस है कि DDU करनाल मिल जाए, अदरवाइज़ फिर आप MAMC अग्रोहा के लिए ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपको BPT कोर्स मिल जाएगा ओपन कैटेगरी के थ्रू। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके लिए प्राइवेट कॉलेज है, वरना आई थिंक सो कि MAMC अग्रोहा में तो आपका 60-70% चांसेस है कि वो आपको अलॉट हो जाए। तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो देखो मुश्किल है, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक थोड़ा वेट करना क्योंकि वहाँ पे फिर कट ऑफ थोड़ी सी लो चली जाती है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट इज MAMC अग्रोहा बेस्ट फॉर पैरामेडिकल कोर्स? यस, देखो MAMC अग्रोहा जो कॉलेज है वो हर एक कोर्स के लिए बेस्ट है, उनकी नर्सिंग की बिल्डिंग अलग है, पैरामेडिकल की बिल्डिंग अलग है, और उनकी लैब्स बहुत अच्छी हैं, क्लासरूम अगर आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं, और लैब में जितना सामान चाहिए होता है लाइक जितने भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो प्रॉपर हैं, बहुत अच्छा वहाँ का स्टाफ है, कोऑपरेटिव है, क्योंकि वो स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है, स्किल्ड है, तो बहुत अच्छा कॉलेज। अगर आपका वहाँ भी एडमिशन हो जाता है ना, गवर्नमेंट में नहीं होता, और अगर MAMC अगर वहाँ में हो जाता है ना, तो समझना कि वो भी गवर्नमेंट से कम नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट है अग्रोहा में BSc नर्सिंग भी है? यस, अग्रोहा में BSc नर्सिंग है। क्या उसमें हॉस्पिटल भी है? हाँ जी, MAMC अग्रोहा के अंदर हॉस्पिटल भी है, और आपकी फर्स्ट ईयर में ही हॉस्पिटल में ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो जाती है MAMC अग्रोहा के अंडर, कई बार तो आपकी नाइट ड्यूटी शुरू हो जाती है फर्स्ट ईयर में ही उसके अंदर, ताकि स्टूडेंट सीख सके, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में हॉस्पिटल होता नहीं है। देखो MAMC अग्रोहा में आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि उसके साथ उसमें ना MAMC अग्रोहा में BMS और MBBS भी है शायद से, तो वहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इवन आपको गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग बिल्डिंग्स है, खुद विज़िट करो, बहुत बड़ा कॉलेज है और उसके साथ हॉस्पिटल भी है, तो साथ साथ आपकी वहीं पे ड्यूटी लग जाती है, तो आपको काम बहुत अच्छे से आ जाता है, क्लिनिकल जो वर्क है फर्स्ट ईयर से आपका स्टार्ट करवा दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी MAMC अग्रोहा में, बहुत अच्छा कॉलेज है, ट्राई करो कि आपको वो कॉलेज मिल जाए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट वन है 53 मार्क्स हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? अगर आपकी परसेंटाइल 30% से अबव है तो ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो आप अपनी परसेंटाइल चेक करो, अगर परसेंटाइल 30% से अबव है तो ईजिली प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, और अगर नहीं है तो फिर आई एम सो सॉरी हरियाणा के अंदर आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपकी परसेंटाइल 30% से अबव नहीं है तो।
और अगर है तो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप प्राइवेट कॉलेज कोई भी अपने लिए चूज़ कर सकते हो और फिर उन प्राइवेट कॉलेजेस का कॉन्टैक्ट नंबर आप गूगल करके निकाल सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे एडमिशन का, उन लोगों से बात कर लेना और उस कॉलेज को विज़िट ज़रूर कर लेना चूज़ करने के बाद कि आपको कॉलेज जो है वो पसंद आया वो कैसा है। नेक्स्ट 111 नंबर हैं जनरल कैटेगरी। हाँ जी, सफ़ेदों मिलने के चांसेस हैं, DTU करनाल मिल सकता है और इसके साथ साथ आपको MAMC अग्रोहा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा और प्राइवेट कॉलेज तो इजीली मिल ही जाएगा। तो आप अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी जब आपकी काउंसलिंग आएगी तो सबसे पहले PGI रोहतक भर देना, सेकेंड पर DTU करनाल, थर्ड पर सफ़ेदों, फोर्थ पर MAMC अग्रोहा। आई थिंक फर्स्ट काउंसलिंग में आपको MAMC अग्रोहा मिल जाएगा और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग तक अगर आप वेट करोगे तो शायद आपको सफ़ेदो या फिर DTU करनाल भी मिल जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट वन इज़ 111 नंबर है जनरल कैटेगरी से, इज़ देर एनी चांस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज आउट ऑफ, आई थिंक येस, आपके बारे में तो हमने बात कर ली है। आफ्टर देयर एंड प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से बेटर हैं वो बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होगा तो आपका सेमी गवर्नमेंट MAMC अग्रोहा में एडमिशन 99% हो जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज आपको चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल अगर आप एक या दो को अपने ऑप्शन में लेना कर चलना चाहते हो तो फिर प्राइवेट कॉलेज आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके घर के आसपास कौन सा कॉलेज पड़ता है, आपको किस लोकेशन में कॉलेज चाहिए और कैसा कॉलेज चाहिए वो आपको खुद वहाँ पे जाके विज़िट करके आप गूगल करके उनकी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो, उन कॉलेजेस में विज़िट कर सकते हो। हाँ, मैंने लिस्ट डाल रखी है, पूरे 32 या 33 कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, बट आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं मिला तो आपको सेमी गवर्नमेंट तो 99% मिलना ही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मेरी ये वीडियो देखी और अगर आप लोगों की कोई और कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।